जलसे की तस्वीर में आप हैं और कौन कौन है? मतलब सारे जो पार्टी के ओरिजिनल लोग थे, फरदोस नकवी हैं, आरिफ अलवी हैं, पंजाब, ये जो मैं सिंध के जो नाम है, पंजाब से हामिद खान हैं, उस वक्त जो ये महमूद रशीद हैं, और ये जो फौजिया कसूरी हैं, उस वक्त जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, अलीम खान नहीं थे, ये उसके बाद पार्टी के अंदर, और जावेद हाशमी भी नहीं थे। ये जावेद हाशमी जो है वो 25 दिसंबर 2011 के जलसे वाले दिन, उससे एक दिन पहले कराची आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जावेद हाशमी ये बड़े एनिग्मा है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, गालियां देते हैं फिर आ जाते हैं, कभी नवाज शरीफ को गालियां देते हैं फिर वापस चले जाते हैं, इमरान खान को अपने साथ गले लगाया और फिर बुरा भला कह के छोड़ के चले। ये जरा समझाइए इनका फिनोमेना। बेटा मैं जावेद हाशमी पीटीआई के मकासद और खान साहब से उम्मीद लेके ही आए थे, लेकिन उनका सोच और फिक्र का अंदाज मतलब है, एक एक हर दौर की, हर अदवार की अपनी सियासत होती है। उन्होंने 80s और 90s के दौर में अच्छी सियासत की और बहुत पीक किया, और जिस वक्त नवाज शरीफ बाहर थे तो उनको नून लीग का प्रेसिडेंट बनाया गया, वो मुशर्रफ साहब के जेर ताब रहे, जेल बड़ी लंबी काटी, वो जो खत का सिलसिला था छोड़ के क्यों गए, और बीमारी में भी वो रहे, सो मे बी वो कंफर्टेबल नहीं हुए, क्योंकि वो जो कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से पीटीआई का थोड़ा सा अंदाज डिफरेंट था। उनके जो चार्जेस हैं कि जी मैंने इसलिए छोड़ी कि ये फौज के साथ गठजोड़ कर रही थी, उसमें कितनी सदाकत है? मैं इस पर कोई हतमी चीज तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल के अंदर कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा, क्योंकि जो खान साहब का अंदाज गुफ्तगू का, बयानिए का, रैशनल का, और जो इनका, क्योंकि इससे पहले मैं महराज मोहम्मद खान साहब को भी देखता रहा हूँ, तो मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि महराज साहब चीनी जबान बोलते थे, खान साहब जापानी जबान बोलते थे, उनका भी कम्युनिकेशन, तो यही तकरीबन केस इनका भी है कि जैसे एक वेवलेंथ होती है ना, एक वो कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, वो यू नो, तो वो मेरे ख्याल में एक बड़ा जबरदस्त कम्युनिकेशन गैप, अच्छा बैकग्राउंड्स के लिहाज से भी, और इसमें छोटे छोटे पुल बनाने वाले होने चाहिए बीच में, यू नो, कि जो उस कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर सकें, अगर इन द एब्सेंस ऑफ दैट वो गैप बढ़ता गया, और वो फिर एक जगह जाके ही कूडंट हैंडल द प्रेशर जो थे, और उन्होंने किया जो किया। चले कराची का जलसा बहुत जबरदस्त, बहुत लोगों को उम्मीद थी कि पीटीआई जो है ना वो ये तीसरी फोर्स इमर्ज करेगी, सर्टली कराची में, अगर सिंध में नहीं, पीपल्स पार्टी एक, एमक्यूएम एक, बाकी स्प्लिंटर ग्रुप्स थे, और लेकिन तकरीबन पीटीआई ना होने के बराबर है इस वक्त कराची में, चाहे खान साहब माने या ना माने, या पीटीआई वाले ना माने, आप कराची के हैं, ये कैसी जबरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल गई? ये बिल्कुल आपकी बात और तजिया ठीक है कि 2011 से पहले पहले तो एमक्यूएम ही एमक्यूएम थी, और जो उनका तरीका वारदात था, जो रूल करने का तरीका था, जो कत्लोगारतगरी थी, जलाओ घिराव था, वो चलता रहा। अच्छा लोग, आम आदमी उससे तंग आया, ना उम्मीद हुआ, होपलेसनेस आई, और उनको अपना जगह मुकाम पीटीआई में नजर आया। तो 2011 दिसंबर के अंदर, ये वही पीरियड है जो अक्टूबर में वहां जलसा हुआ, क्योंकि पूरे मुल्क की उम्मीद खान साहब के साथ जुड़ी। मुझे तो, सर बताएं आप लोग कराची कैसे खो गए? नहीं मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे कंपटीशन किस चीज से था कि एक रीजनल पार्टी जो सिर्फ कराची की बात कर रही हो, एथनिक बिल्कुल, और लोगों को एहसास महरूमी दिला रही हो, और जनाब उनके ऊपर जुल्म और सितम की दास्तान और नोआ हो रहा, लोग आपकी तरफ देख रहे थे, हाँ आए थे। अच्छा लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी जो नेशनल पार्टी थी, तो जिसके तमाम बयानियां और पॉलिसी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव, एक बड़ी शामियाने के नीचे, बजाय इसके कि एक छतरी के नीचे वाली पॉलिसी, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी हो, तो वो उम्मीद लोगों की टूटी, यानी जो बंधी और टूटी, क्योंकि इस वजह से भी टूटी कि जो वो पार्टी थी जो 2011 के अंदर और फिर 2013 के इलेक्शन में जो उनको लॉस हुआ और पीटीआई को 8.5 लाख वोट मिला, तो उन्होंने जाके अपना तरीकेकार भी लोगों के साथ तब्दील किया। किन्होंने? एमक्यूएम ने अपना रवैया तब्दील किया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तब्दीली की, उनको एहसास हुआ कि भाई ये हमारे वो नहीं है, मतलब मजारे नहीं है,
कि ये हमें ही वोट दें, दे दे ये जा सकते हैं। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि 2011 में इतना उरूज, लोग पीटीआई के पर बिल्कुल जैसे कहते हैं, भुट्टो भी कहता है, खंबा भी, खंबे को भी अगर टिकट दे तो वोट दे दे, शायद तकरीबन उस किस्म की कैफियत थी। 2013 में आपको कुछ भी नहीं मिला। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर भी है, क्योंकि सर बात है कि वो आदि थे लोग इतनी स्ट्रॉन्ग तंजीम के, जो हर गम, हर दुख, हर खुशी, हर चीज में बैकअप प्रोवाइड करे, सॉर्ट ऑफ थिंग ना। तो पीटीआई की तंजीम नीचे लेवल के ऊपर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि जो उतना, आपकी लीडरशिप भी बहुत कमजोर थी। मतलब ये तो मैं आपके ऊपर कहता हूँ, मैं इससे एग्री करता हूँ, कराची के प्रेसिडेंट थे, मैं इससे आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, मैं इसका एतराफ करता हूँ। और अच्छा, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि जब स्टैंडर्ड इतने हाई सेट कर दिए जाए कि जनाब आपको किसी करप्शन में मुलव, सियासत है क्या, कि सियासतदान करता क्या है, जो कन्वेंशनल सुबह उठता है, कलफ के कपड़े पहनता है, एक वास्केट पहनता है और बाहर निकल के उसी पॉलिटिक्स के अंदर ही अपनी रोजगार कर रहा है। आप मोस्ट ऑफ द पीपल के पास, मैं यहां तक कहूंगा कि नेशनल टैक्स नंबर भी नहीं होगा उनका कोई, आप पीटीआई के अंदर ज्यादातर लोग जो थे वो अपने अपनी हलाल रोजगार की भी फिक्र करते थे और पार्ट टाइम वक्त देते थे, जो कि कमजोरी का बायस बना। और मैं समझता हूँ इसका हल क्या है फिर? इसका हल एक ही है कि इसके अंदर वो लोग जो अपना किसी जगह तक पहुंच जाए, देखें होता क्या है कि जिंदगी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, ये मैं समझता हूं, क्योंकि पॉलिटिक्स इज द साइंस और आर्ट ऑफ गिविंग। तो अगर आपका पेट खुद ही खाली है और आपके घर पे छत, एमक्यूएम का अगर आप फिनोमेना देखें कि उन्होंने बहुत यंग लोगों को लाए, किसी को मेयर बनाया, किसी को वजीर बनाया, किसी को क्या क्या बनाया, लेकिन क्या था कि सबसे पहले उनकी अपनी जरूरियात थी, वो उन्होंने पूरी की, क्योंकि वो जो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है। तो ये तो वहां पर जाके जो आप पहुंचेंगे गिविंगनेस तक, कि जब आपकी अपनी जरूरियात आप अपने हलाल जराए से पूरे कर चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा बड़ी तादाद में उन लोगों को पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए जिनके साथ अल्लाह की मेहरबानी रिस्क और रोजगार के सिलसिले में है और जिनकी इंटेग्रिटी सलामत रही है, क्योंकि यहां पर पॉलिटिक्स में आज जो क्राइसिस है वो इंटेग्रिटी का है। तो मुश्किल काम ये, ऐसे लोगों को ढूंढना जो कि सिर्फ देने के लिए तैयार है, लेने के लिए नहीं है, मुश्किल लोग आई थिंक हैं। अच्छा, लेकिन एक वो बड़ी खूबसूरत, एक हमने बचपन में, आपने भी पढ़ी होगी, एक कहानी सुनी थी हमने, पढ़ी थी कि एक जगह आग लग जाती है, एक अंधा होता है, एक लंगड़ा होता है, ठीक है ना, दोनों जल जाते, तो लंगड़ा जो है वो अंधे के कंधे पे बैठ जाता है, इट्स अ मिक्स, क्योंकि और दोनों की जान बच जाती है। सो अगर यानी जो लोग वसाइल हैंडल कर सकें और जो लोग वक्त हैंडल कर सकें और उनका कंपैशन भी हो, तो वो इलाहक हो इस तरीके से, क्योंकि जमात इस्लामी के मॉडल के अंदर ये है कि वो जो लोग वहाँ पे अमीर और चीज़ें, उनको बाकायदा जो गाड़ी, जो महाना, जो चीज़ें ना, बिकॉज वो फिर फुल टाइम कर रहे होते हैं, उनको दीगर किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती, लेकिन बहुत कंटेंडेड भी होते हैं। हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि हमारा अपना पेट ही नहीं भरता लोगों का, उस लिहाज से आगे चलते हैं। समझ गए, ये यहाँ की सियासत का समझ आ गया, कराची क्यों आपने उस पर काबू क्यों नहीं पा सके। थैंक यू, बड़ा कैंडिड आपने रिस्पांस दिया। 2011-13-14 धरना, 2012 तारिक कादरी का धरना, 2014 इनका धरना, बड़े अरूज पर हुई और उसके बाद एकदम डिसल्यूजनमेंट सेट इन हो गई और लोगों ने पीटीआई को छोड़ना शुरू कर दिया, खास तौर पे वो जो जिनको कहते हैं ना, जो आइडियोलॉग्स, यंग पीपल, जो बड़े होप्स थी कि नहीं जी हम तो अपने वोट, ये कैसे हुआ इतना अरूज और फिर एकदम जवाल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक प्लेटोइंग हुई पार्टी के उसके अंदर सपोर्ट में। इस वक्त मैं समझता हूँ कि पार्टी का एक वक्त में इख्तदार में आना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि ये जो पुरानी पार्टियां हैं वो तीन तीन चार चार दफा इख्तदार में रही, तो जो उनका वर्कर होता है या जो उनके तमाम सपोर्टर्स होते हैं वो पार्टी को इख्तदार में देखना चाहते हैं और इख्तदार की पार्टी की वर्किंग से वो मुस्तफीद भी होना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं कि इन एंड आउट ऑफ द चीफ मिनिस्टर हाउस या इन एंड आउट ऑफ द सेक्रेटेरिएट्स हियर एंड देयर। तो होता क्या है कि ये पीटीआई का जब 2013 के अंदर भी एक तरह से एंटी क्लाइमेक्स हो गया, खान साहब उस जगह गिर गए
और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ, तो पीडीआई का ग्राफ जो कैंपेन चल रही थी उसमें मैं समझता हूँ बहुत तेज ऊपर जा रहा था। वहां हमारे पास टाइम कम रहा क्योंकि पहले कोई डेढ़ साल पार्टी अपने इंटरनल इलेक्शन में फंसी नहीं। वो तो एक बड़ा अजीब एक ड्रामा है। वो इलेक्शन 21 मार्च 2013 को खत्म हुआ और उसके बाद कोई डेढ़ महीना भी मिला नेशनल, पौने दो महीने नेशनल इलेक्शन में। तो ये इतनी बद इंतजामी इलेक्शन की कैसे? अच्छा वो पार्टी इलेक्शन की इमरान ने उसको मैं सिर्फ वेल मीनिंग ही कह सकता हूँ कि खान साहब की ये ख्वाहिश थी कि पार्टी के इलेक्शन हो, पार्टी की रैंक एंड फाइल से लीडरशिप निकले, आइडियलिज्म है। जो ये जो तहरीक-ए- इस्तिक़लाल ये किया करती थी और जो तहरीक-ए- इस्तिक़लाल में ये जो अली असगर खान साहब बाद में मर्जर करके हमारे साथ आ गए, उनकी पार्टी एयर मार्शल असगर खान, एयर मार्शल असगर खान के जो बेटे हैं जी, वो आपकी पार्टी, वो में पार्टी में थोड़े से नाराज हैं सुना आजकल वो। इसमें लोग तवक्कयात, इसमें एक बड़ी कामयाबी होती है कि सियासी पार्टी में आप अपनी तवक्कयात को लो रखेंगे ना और अपनी इनपुट करते रहेंगे तो वो आप ज्यादा बेहतर रहेंगे। जैसे ही आप तवक्कयात को शूट अप करके किसी जगह ले जाते हैं तो वो इतने बड़े उसके अंदर पूरी होना नामुमकिन होती है। तो जो पॉइंट मैं कह रहा था कि वो जो थे तहरीक इस्तकलाल वाले, वो हर दो साल में इलेक्शन करते थे, पार्टी आधी हो जाती थी क्योंकि इलेक्शन इज अ हार्ड हार्ड रियलिटी। जो हारता था वो कहता थैंक यू वेरी मच, इत्तेजाज ऐसा छोड़ गए। अच्छा तो यही कोई पीडीआई का वो जो 2013 का इलेक्शन था उसके अंदर भी कोई साल से ज्यादा, कोई सवा साल डेढ़ साल इंटरनल जो वो चला मुकाबला, इलेक्शन तो इलेक्शन है कुश्ती की तरह के, उसके अंदर सब दाव है। डेढ़ साल इलेक्शन चलता रहा, मतलब वो असल में कुछ समझ नहीं आई। वो अनाउंस हुआ फिर वो लिस्ट थी तकरीबन ये कोई 13 महीने समझ लें क्योंकि कोई फरवरी में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे वो रिजेक्ट कर दी गई, फिर वो कितने वो शायद 2015 में हुआ। हाँ लेकिन ये जो 2013 का था ये जिस जो पार्टी के बेहतरीन लोग अवेलेबल थे, हामिद खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने और इसी तरह से जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर भी सिंध के शाइक उस्मानी साहब थे जो जज थे हाई कोर्ट के रिटायर्ड, सो अपनी तरफ से बेहतरीन एफर्ट होती गई लेकिन कहीं कहीं इस तरह से फ्लॉज रहे जिसकी वजह से हम फॉल्टर करते रहे और मंजिल पे नहीं पहुंचे। चलिए धरने पर आ जाते हैं जी। धरने का क्या मकसद था? धरने का जो फ्रस्ट्रेशन बिल्टअप हुआ था पार्टी के अंदर क्योंकि उस इलेक्शन की वजह से और इलेक्शन की रिगिंग कन्वेंशनल है पाकिस्तान के अंदर, ये स्टाइल है कि आप जितनी भी फसल लगा लें, क्योंकि हमारी पार्टी फसल तो खान साहब ने बहुत बड़ी लगाई। व्हेन आई से फसल इसका मतलब ये है कि आपने बड़ी जबरदस्त कैंपेन कर ली और सपोर्ट किया, पनीर लगा दिया नहीं, लेकिन उस फसल को हार्वेस्ट करने का टाइम वो 8-9 घंटे होते हैं इलेक्शन के दिन के, जो उस 8-9 घंटे में आपने फसल काट ली वो आपकी हुई, जो लगी रह गई वो फारे। सो ये जो था सारा का सारा, तो उसमें ऑल सेड एंड डन ये एक एहसास और इनपुट्स आई बहुत सारे लोगों की तरफ से, ज्यादातर सही होंगी कुछ गलत भी होंगी क्योंकि बाद एवरीबडी वॉन्ट्स देमसेल्फ टू लुक गुड के जी रिगिंग का। अच्छा और खान साहब का जो मुतालबा था वो बड़ा सादा था कि भाई ये चार चीजें खोल लो सॉर्ट ऑफ थिंग, लेकिन एक हुकूमत की अपनी ताकत का घुमंड होता है, एक वो होता है कि दे कैन गेट अवे विद मर्डर, थोड़े दिनों में लोग भूल जाएंगे, ये एक मिजाज है हमारे हमारे यहाँ पाकिस्तान में। तो नतीजा क्या, वो नहीं कराया गया तो वो धरने तक पहुंचे और फिर धरने के बाद आपने देखा होगा कि उनमें ज्यादातर उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जब फैसले आए तो उसमें अनवेरीफाइड वोट्स बेनतहा थे, तो वो फ्रस्ट्रेशन था जो बिल्टअप हो रहा था और नोबडी वॉज रिस्पॉन्डिंग, द कोर्ट्स वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, The election commission was not responding. तो आपके पास कोई और तरीका था नहीं कि सब ये करने के आप एहतजाज एहतजाज करें। अब एक तासुर ये है कि जो डिसल्यूजनमेंट थी इमरान से और पार्टी से, खास तौर पे जो ये नए लोग आए हैं और इसकी वजह से जो पार्टी की प्योरिटी है वो इफेक्ट हुई है। इमरान इसको प्रैग्मेटिज्म कहते हैं और कहते हैं कि जी मैं उन्हीं लोगों से, मैं 1000 टिकट अगर दूंगा तो मैं सारे फरिश्ते तो नहीं लेकर आ सकता, तो ये एक रियलिटी भी है और उन्होंने बड़े कैंडिड तरीके से भी इसका जवाब दिया। और लेकिन इससे उनकी जो डाई हार्ड जो आइडियोलॉग जो तब्दीली निज़ाम की तब्दीली उनके दिमाग में उनके जहनों में, असल में पार्टी को बड़ा होना है, नए लोगों ने आना है, और दूसरा ये है कि
इस उम्मीद के साथ कि इमरान खान साहब और ये पार्टी वुड हेल्प देम बिहेव ऑल्सो ना, क्योंकि हर जगह का अपना एक कल्चर होता है, क्योंकि खान साहब ने इतनी अच्छी अच्छी और इतनी बड़ी बड़ी बातें की तो उसमें सफाई का लेवल लोगों के जहन में जो पीटीआई का हुआ वो बहुत ऊपर चला गया। तो पता चला कि मेरे कपड़ों पे अगर ज़रा सा एक धब्बा भी है ना तो वो कैमरा वहीं जाएगा। अच्छा, और दूसरे लोग डांगरी पहने हुए हैं जो बिल्कुल ग्रीस में और काले उसमें हैं, तो उसमें दे यूज टू के भी पीपल्स पार्टी वाले तो होते ही ऐसे, या अब जो ये नून लीग का जो चेहरा सामने आ रहा है ज़्यादा इस इन हालात में, तो इसमें पीपल्स ये पीटीआई के साथ लोगों की तवक्कयात बहुत ज़्यादा हैं। और मैं सब मुझे ये उम्मीद भी है, यकीन भी है कि इसमें जो नए लोग आए हैं जिनका माजी उतना हाई स्टैंडर्ड का ना रहा हो, वो इस पार्टी के मिजाज के मुताबिक अपने आप को अच्छा रखेंगे और अब यहाँ इस पार्टी में अपनी इज्जत करवाएंगे। और मैं समझता हूँ क्योंकि इस पार्टी के निज़ाम में जैसे केपीके के मॉडल में क्या हुआ, मैंने वहाँ के वजीरों से और वजीर ये सुना कि भाई ये जो माजी में इक्तदार में आते थे वजीर साहब तो भाई एक होता था मिनिस्टर हैं मजे करो सॉर्ट ऑफ थिंग, लेकिन यहाँ पर उनको काम भी करना पड़ा और वो पर्क्स भी उस तरह से इंजॉय नहीं कर सके कि जी जो सरकारी आप फैसिलिटीज इस्तेमाल करते हैं। तो पीटीआई प्रॉबली उस कल्चर को, क्योंकि मीडिया भी बहुत इसमें हॉकिश होगा पीटीआई के सिलसिले में, क्योंकि जब आप इतने तवील अरसे से इतने बड़े बड़ी बातें करते रहे और फिर कहीं भी छोटा काम हो जाए तो दैट वुड मेक पीटीआई लुक बैड। तो आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि पीटीआई के तमाम लोगों को दिल बड़ा करना पड़ेगा, नए लोगों को कबूल करना पड़ेगा और जो नए आएंगे उनको भी पीटीआई के मयार और खान साहब ने जो जो स्टैंडर्ड्स ले किए हैं उसके मुताबिक परफॉर्म करना पड़ेगा इंशाल्लाह। मैंने पहले आपसे कहा था ये सवाल मैं करूँगा बाद में। एक आम तासुर है कि अब मुझे नाम तो लेने पड़ेंगे इसलिए तासुर वहाँ से पैदा होता है। जहांगीर तरीन का तासुर है कि बहुत श्रूड बिजनेसमैन है, वो कहते हैं भाई कोई काम कराना पर कीमत बताओ काम करवाओ। अरीब खान का है कि जो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट में कब्जा माफिया कहा जाता है वो है, क्वेश्चनेबल एथिक्स हैं। बाकी इनके जो नए नए और लोग आए पार्टियों में, कुछ सियालकोट से आए, उन्हीं पार्टियों से आए जिन पार्टियों में बहुत कुछ गंद है, इमरान को इनका जवाब तो देना चाहिए, वो इनको ब्रश अवे नहीं कर सकते कि नहीं ये लोग ठीक है। इसमें मैं समझता हूँ कि जे पार्टी में आने के बाद, क्योंकि जब ये आए एक ज़ाहिर बात है हर एक का, जैसे मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, एक मेरा माजी है जिसको मैं जाके पीछे तब्दील नहीं कर सकता और एक मेरा जो मौजूदा वो है ये आने वाले वक्त का, हाँ उसको मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ कि कल मैं कैसे बिहेव करूँगा, पीछे तो मैं जो कर सकता था कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि इस हमारी पार्टी को, इमरान खान की पार्टी को, पीटीआई को, जो लोग इस नियत से आ रहे हैं कि भाई नाउ दे आर विद पीटीआई एंड दे इंटेंड टू बिहेव, यानी देखिए क्योंकि पाकिस्तान में एक माहौल था, इसमें कारोबार का भी एक माहौल था, एक ओवरऑल एथिक्स और मोरालिटी है, उससे तो हम इनकार नहीं कर रहे ना कि वो कोई बहुत अच्छा नहीं था, तभी तो हम इस हाल को पहुंचे, चाहे मैं हूं और दीगर लोग हैं सभी इसी हवा में सांस ले रहे थे, सभी ये पानी पी रहे थे। उस लिहाज से तो मेरे ख्याल में आखिरी में शायद जरूरत पड़े कि वो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बने जिसमें मैं और आप भी खड़े हुए माफी मांग रहे हैं कौन से, क्योंकि हमारे गुनाहों का किसी और को पता हो या ना हो हमें तो पता है। तो ये मैं समझता हूं कि एक ऐसा मौका इन लोगों को सबको मिलना चाहिए कि जिन्होंने अपने कुछ किया, अच्छा किया बुरा किया माजी के अंदर, अगर वो मुल्क की तामीर के अंदर एक अच्छे लीडर की क्यादत के अंदर अपना हिस्सा डालना चाहें आइंदा के लिए, क्योंकि तोबा की गुंजाइश देखिए हमारे दीन में है। एक डायरेक्ट सवाल, बिल्कुल दीन में तो है, बिल्कुल दीन में है तोबा की, डायरेक्ट सवाल, इमरान ने अपनी एथिक्स और इंटेग्रिटी को कभी कॉम्प्रोमाइज किया है पर्सनली? मैंने नहीं देखा और मैं उनको अपने से बहुत बेहतर इंसान पाता हूँ इस मेयार के ऊपर कि जो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी का अल्लाह ने उसके दिल से एक लालच को ना दिल को गनी किया हुआ है, क्योंकि जैसे ही इंसान का अपनी जात के बारे में ख्याल आता है ना तो फिर वो तो उसको सम और दिए दर जो मेरा 21 साल मैंने देखे हैं तो उसको दिल के मामले में माल के मामले में अल्लाह ने उसको सम और दिए दर एक गनी किया हुआ है। मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा
इंसान, लेकिन यानी उसको ऊपर कोई टैग वैल्यू नहीं लगाई जा सकती कि भाई इतने मिलियन नहीं तो इतने बिलियन ले लो यार, है ना। और यही जो नवाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा था, वो जो कह रहा है कि क्यों निकाला, कि भाई एक ऐसा आदमी कि वो उसको ये भी डर नहीं कि शायद मैं भी नाअहल हो जाऊं। भाई नॉर्मली तो ये होता है ना कि आप ब्लैकमेल करते हैं तो आर्म ट्विस्टिंग करते हैं ना। वो कह रहा है कि भाई ठीक है जो होना है, मैं भी चाहे नाअहल हूं इसको तो घर तक पहुंचाऊंगा। तो ये क्या है करंट सिचुएशन सर? मुस्लिम लीग नाअहल, नाअहल वजीर आजम, एक बहुत ही कमजोर वजीर आजम, एक बहुत ही कंफ्यूज्ड इंटीरियर मिनिस्टर, किसी को पता नहीं हुकूमत क्या है। साहिबजादी जो कहा जाता है कि साहिबजादी तकरीबन चलाती हैं पार्टी के मामलात, बहुत असरअंदाज होती हैं। पीपल्स पार्टी एक कोई साजिश किस्म की एक मूड में है, फायदा उठाना चाहती है इस सब चीज का। फौज के ऊपर बहुत उंगलियां उठाई जा रही हैं कि बिहाइंड द सीन्स वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैनूवर कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं। इलेक्शंस अगले साल आने वाले हैं, पता नहीं होंगे नहीं होंगे। सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, उस पर बड़ी बात हो रही है कि इनको मार्च तक नहीं रहने देना चाहिए। अगर मार्च तक रह गए मेजॉरिटी आ जाएगी, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आएंगे, फौज को अपने ताबे ले आएंगे और वगैरह वगैरह वगैरह। क्या देख रहे हैं? अच्छा, ये जितनी चीज़ें आपने बताई ये कॉन्स्टेंट्स हैं और गिव और टेक थोड़े प्लस माइनस के तहत माजी में भी रही हैं इसी तरह की, और अब इस वक्त लोएस्ट ऐप पे हैं, ये बात मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। इसमें से जो पॉजिटिव तलाश करना है वो मुझे तीन चीज़ें नज़र आती हैं। एक कि अदलिया जो अब बोर्ड हो जाए और उस वो आज़ाद हो जाए, बेखौफ हो जाए, और जो माजी की जस्टिस मुनीर की तारीख थी उससे हट के एक ऐसी अदलिया, क्योंकि जो तरक्की याफ्ता दुनिया है यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं, चाहे कनाडा में हो, मैं बाहर रहा भी हूँ अमेरिका के अंदर एंड ऑल, कि वहाँ पर तीन चीज़ों ने उन मुल्क को तरक्की याफ्ता बना दिया। एक अदलिया, ताकतवर अदलिया, हाईएस्ट भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बाकी लोअर कोर्ट ये। दूसरा मीडिया, क्योंकि मीडिया, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का जो काम कर रहा होता है ना सबूत का, क्योंकि मीडिया के ऊपर वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ का शौक है कि इफ़ यू आर अ गुड मैन दे डोंट केयर, लेकिन अगर आपके बारे में कोई नेगेटिव खबर उन्हें मिल जाए तो वो ठग से ब्रेकिंग न्यूज। तो अदलिया, ताकतवर अदलिया, ताकतवर मीडिया, ठीक। फिर भले बाद में लाइबल के लॉज बने, थोड़ा सा जैसे एक पौधा या दरख्त बड़ा हो जाए ना फिर उसकी तराश खराश कीजिए, छोटे से पौधे को आपने अगर बड़ी सी कैंची चला दी तो वो मुरझा जाएगा। सो आई नो कि बहुत सारे प्रॉब्लम कैंस हैं ताकतवर मीडिया के, लेकिन इस मीडिया के अंदर बाद में लाइबल के लॉज बनेंगे ना। मैंने आप पे झूठा इल्जाम लगा दिया तो जब मुझे मिलियन अदा करने पड़ेंगे तो जो मीडिया के मालकान की तबीयत साफ हो जाएगी। तो ये सारा होगा, तो अदलिया, मीडिया, ये दो होप आ गए। और तीसरा जहां पर अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये वो फिल्टर है जो पूरी महजब दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर 80s तक भी इटली के अंदर माफियाज रूल करते थे। अगर माफियाज को आप उस फिल्टर से गुजार देंगे, कातिल को, स्मगलर को, या रोक देंगे, उसको रोकना पड़ेगा ना, उस वो इलेक्शन के प्रोसेस में जा नहीं सकता। यानी आप समझ लें कि वजह उसकी ये कि उसके पास दौलत है। नहीं साहब, बिल्कुल सही बात की, कैसे होगा इलेक्शन? अच्छा, को अंडर द करंट है ये मौजे से करी, लेकिन ये आप मुझे बताइए कि मैंने और आपने आज से 2 साल पहले 3 साल पहले तस्वुर किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतना स्ट्रेंजेंटली इस मामले को देखेगी क्लोजली? अच्छा, अब उसके आप बहुत सारी तौजीहात लगा लें, लेकिन हम मुसलमान हैं तो हम एक अल्लाह ताला से उम्मीद और दुआ भी मांगते हैं और एक मौजे की उम्मीद भी रखते हैं कि ये जो 20 करोड़ मुसलमान वहाँ पे, जो बच्चा कूड़ा चुन रहा है, जो गरीब है, जो गटरों के ऊपर रह रहे हैं, पाकिस्तान का ये मुस्तकबिल नहीं है। ठीक है ना, हमने आप जहाँ और आप बैठे हमने तो आपका कहने का मकसद, मैं इस मौजे का और अल्लाह की लाठी का इंतजार कर रहा हूँ और मुझे पक्का यकीन है, मेरी उम्मीद है फौज की लाठी भी इसमें। देखिए, ये एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, ये जहन में रखें। वो फौज भी पाकिस्तान की फौज है, कौन सी कोई दुश्मन मुल्क की फौज है। और इसमें जो मेरी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ही ने ये जो फौज को पिछले 50-60 साल में जो वसाइल, जो भी स्ट्रेटेजिक सूरत हाल थी, जो भी लोकेशन थी इंडिया के लिहाज से, तो ये फौज ही डेवलप हुई, ये न्यूक्लियर एसेट ही डेवलप हुआ, वेदर समबडी लाइक्स इट या नहीं। तो जिस वक्त सख्ती आती है
जिस वक्त आप मुश्किल के अंदर होते हैं तो आप फैमिली सिल्वर की तरफ या जो आपका असाता है उसकी तरफ रुजू करते हैं। तो ये फौज भी पाकिस्तान का एसेट है। आज अगर पाकिस्तान के साथ वो सलूक नहीं हो रहा जो मुल्क के दीगर दुनिया के दीगर ममालिक के साथ हो रहा है, की वजह से फौज के आपका न्यूक्लियर स्टेटस है, न्यूक्लियर एसेट है। सो आई थिंक कि दुनिया विल हैव टू टेक पाकिस्तान इनटू अकाउंट फॉर ऑल द राइट एंड रॉन्ग रीजन। अब हमारा जो प्रॉब्लम है ना सर, जो आपकी बात को कि सियासतदान वो गोलकीपर होते हैं, वो फुल बैक्स होते हैं जो अपने मुल्क के ऊपर गोल चढ़ने नहीं देते। अब आजकल चाइना हमारे मुल्क में ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है था। अच्छा लेकिन अगर जी सी पैक वाला, अच्छा लेकिन अगर हमारे गोलकीपर, हमारे फुल बैक्स, हमारी सेंटर लाइन जो हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है, जो हमारे सियासतदान होते हैं, ये अगर हमारे गोल नहीं बचाएंगे तो वो तो जितनी दफा आएंगे उतना गोल करके जाएंगे। तो आज हमारी ट्रेजेडी ये है कि इस सिस्टम के अंदर अदलिया, मीडिया और पॉलिटिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अबव बोर्ड चला जाए, उसमें अच्छे जजेस बैठे और इंसाफ के साथ बेहतर लोग। देखिए आप मुस्तकबिल के तो अच्छे वादे कर सकते हैं कि मैं कल अच्छा आदमी बन जाऊंगा, माजी तो हर एक का पीछे है ना ट्रेल और ट्रैक जो है। आज नवाज शरीफ भी जो फंसा है वो ट्रेल में ही फंसा है ना, उन जराइम में फंसा है जो उसने 90s के अंदर किए थे। और वो जो कह रहा है कि मुझे क्यों निकाला, क्योंकि वो तो ये करता ही रहा था, वो तो समझ नहीं आ रहा कि भाई मैंने क्या चीज नहीं की। नहीं सर, थैंक यू, समझ गया। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिस्टम की तब्दीली के लिए। जो आपने बहुत एक अच्छी बात की इलेक्शन कमीशन की कि फिल्टर, ये एक बहुत इमर्जिंग वॉइस आ रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। उसमें कहा यह जाता है कि हमारा चूंकि निज़ाम इतना खराब है, अब 2008 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने 13.5% वोट लेके, रजिस्टर्ड वोट लेके आई। इसका मतलब यह कि 87% लोगों ने या उनके खिलाफ वोट दिया या वोट नहीं दिया, इसी को सिस्टम में बिलीव नहीं करते। मुस्लिम लीग नवाज 2013 में 17% वोट लेके आए रजिस्टर्ड, मतलब 83% लोगों ने वही किया। तो जब इतनी ज्यादा लोगों की इस सिस्टम के अंदर बिलीफ नहीं है तो इसका मतलब है ये सिस्टम वही लोग लेके आ रहा है। और रिसाइकलिंग ऑफ गार्बेज जिसको कहते हैं ना, आपने उसी गटर में से फिर निकाल के फिर वापस फेंका, फिर गटर में से निकाला, तो तब्दीली कोई नहीं आई। जब तक कोई तरीका ऐसा नहीं आएगा कि आप अच्छे लोगों को सियासत में ला सके, लेजिस्लेशन में और निज़ाम हुकूमत में ला सके, तब तक तब्दीली नहीं आएगी। बिल्कुल, इसलिए कि आप उन्हीं किस्म के लोगों को लेके आ रहे हैं। तो एक बड़ी इमर्जिंग वॉइस है कि पाकिस्तान में एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का निज़ाम आना चाहिए, 25-50% की पार्टियां अपनी लिस्ट दें, उसमें नजीब हारून का भी नाम हो, हैदर मेहदी का भी नाम हो और हम टेक्नोक्रेट्स भी हों, तो हम लेजिस्लेशन भी अच्छी कर सकें। और दूसरा कहते हैं कि जो मिनिस्टर बने वो जिस तरह अमेरिका का निज़ाम है कि आप डायरेक्टली आदमी को मिनिस्टर बना सकें, उसको MPA MNA सेनेटर होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपकी एक कमेटी हो MPA की MNA की जो कि उसको वेट करे और अप्रूव करे। इस तरीके से आपके निज़ाम हुकूमत में टेक्नोक्रेट्स आएंगे, ये वो टेक्नोक्रेट हुकूमत नहीं लेकिन इलेक्ट्रल प्रोसेस से टेक्नोक्रेट्स आएंगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आएंगे। जिसने कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी बनानी है नेशन वाइड, वो कंस्ट्रक्शन जानता हो। ये ना हो कि कल का वो साइकिल की दुकान थी तो आज वो MNA बन गया तो उसको जनाब आपने रेलवे उसके थमा दी। तो ये इसके मुतालिक जरा बताइए अपनी राय। इसमें जैसे एक तो आपने बात बिल्कुल सही फरमा दी, जैसे मैंने इलेक्शन कमीशन का भी जब हवाला दिया था कि बेहतरीन लोग आए, क्योंकि उसके बगैर कोई सलूशन नहीं है कि जो कम तर हिस्टोरिकली पॉलिटिक्स वो एक शोभा रहा है। अगर आप 60 का 70 का, मेरा 70 का इशरा कॉलेज यूनिवर्सिटी का था, जो काबिल और लायक बच्चे होते थे उनको माँ बाप मुख्तलिफ, चाहे इंजीनियर बना रहे थे, डॉक्टर बना रहे थे, किसी और शोबे में भेज रहे थे, सियासत के शोबे में कोई बाप अपने लायक बच्चे को नहीं भेज रहा होता अनफॉर्चुनेटली। तो वो जो एक कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जी जी। तो कमतर लोग, अखलाकियात के लिहाज से भी कमतर लोग उसके अंदर आए। और चूंकि बेहतर लोग जो थे, तो अच्छे लोग कैसे आए? अच्छा, अच्छे लोगों का आने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो आपसे कमतर लोगों को जब रोका जाएगा, क्योंकि इसमें तो कमतर लोगों को रोक दिया नहीं, रोकने में उसके बाद क्या होगा कि एक चीज को आप रिवॉर्ड करते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ ये पॉलिटिक्स
एक ऐसा शोभा रहा कि एक स्टिग्मा ही रहा कि लोग कहते हैं कि भाई उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली, यानी अगर आप देखें कि सिवाय इसके कि जो चंद खानदान अब ये, यानी अगर आप अजय ट्रैक कर लें, आप जरदारी को ट्रैक कर लें, नवाज शरीफ को, अजय लेकिन आप ये देखें कि जिंदगी में कोई अचीवमेंट तो हो, आपके तालीम में नहीं था तो किसी हुनर में हो, हुनर में नहीं था तो किसी कारोबार में हो। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि एक टेक्नोक्रेट सब जगह, आजकल दुनिया है, सारी दुनिया है टेक्नोलॉजी बेस्ड और स्पेशलाइजेशन की, जनरलिस्ट नहीं चल सकता, पाकिस्तान की पॉलिसी भी जनरलिस्ट नहीं बना सकता, आपका जो लेजिस्लेचर है वो भी लेजिस्लेट नहीं कर सकता और वो बिल नहीं बना सकता जिसके मुतालिक उसको पता ना हो। इन जगहों पे आप उन लोगों को कैसे लेके आएंगे जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो आपकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं रन कर सकते, उनके पास कोई बरादरी नहीं है, वो उन बरादरियों से वोट नहीं ले सकते, ये लोग कैसे आएंगे? ये आपकी जो पहली वाली बात थी कि एक इस वक्त 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जिस हालत में भी है, एक उस पर कंसेंसस है मोटा मोटा ना, लेकिन सिस्टम फेल। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब इन प्लेस जो भी कुछ हो, चाहे रेफरेंडम के जरिए हो, ताकि ऐसा कुछ निकाला जाए कि जिसपे सबका कंसेंसस हो जाए। अच्छा, अब जो आपने बात की कि इस वक्त आप इन पांचों मुल्कों को उठा के देख लें जो इस वक्त तरक्की की सीढ़ियां तय कर रहे हैं, टर्की, सिंगापुर तो कर ही चुका है, चाइना, साउथ कोरिया और मलेशिया भी तकरीबन कर चुका है, आधी आधी कैबिनेट जो है वो इंजीनियर्स पे मुबनी है, चेक इट आउट। अच्छा, वजह उसकी ये कि जब आप गैर तरक्की याफ्ता हैं, तरक्की पजीर हैं, तो ये वजन जैसे स्टेशन के ऊपर सारा वजन पुली उठाता है ना, तो ईरान की जो कैबिनेट है, आपको एक बार बिल्कुल ईरान पीएचडीज हैं, केमिकल इंजीनियर्स अमेरिका, क्योंकि इस वक्त ये जरूरत है आज एक मुल्क की, इस मुल्क की, क्योंकि आप तरक्की पजीर से या गैर तरक्की याफ्ता से तरक्की याफ्ता होना जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, पुल बनने हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। सवाल ये तो बिल्कुल अग्री, हाँ सवाल ये आएंगे कैसे? अरे नहीं, अगर ये नहीं भी उसमें आते तो फॉर्मेट के ऊपर असेंबली का काम है लेजिस्लेशन, बैठे रूल्स ऑफ द गेम बनाए। ये अभी जो हुआ ये धरना जिसका हुआ ये सारे लोग कमेटियों में बैठे, सब इनके पास पड़ा हुआ था, इन्होंने उसको वोट भी दिया, अनपढ़ जाहिर, पढ़े लिखे जाहिर भी इसमें बैठे थे, और इंक्लूडिंग पीटीआई, हाँ जिन्होंने ये इसको, ये तो कोई पढ़ता ही कोई नहीं। अच्छा, बेहतरीन अपनी लोगों में से जो मीडिएटर्स होते हैं, लेकिन जब कौम डिवाइड हो रही होती है, बट रही होती है, पाकिस्तान के अंदर ऐसे इलाके हैं कि जो अर्बन पाकिस्तान से 50-60-100 साल पीछे हैं, तो आपको मीडिएटर्स, मिटिगेटर्स, इस तरह से लोग चाहें कि आपको छोटे छोटे पुल बनाने हैं, चीज़ों को डिवॉल्व करना है वहां पर, उन इलाकों को इधर आप इनके बराबर नहीं ला सकते एकदम से ना, सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो कमिटमेंट जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, आपकी पार्टी इस पे कोई काम कर रही है कि अगर इक्तदार में आए तो हम एक मेजर इलेक्टोरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करेंगे जो कि स्पेशलिस्ट को, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को लेजिस्लेचर्स में भी लेके आएगी और निजाम हुकूमत में भी लेके आएगी? मेरे ख्याल के अंदर इसके ऊपर खासा काम है, और ये जो 21 साल की ग्राइंडिंग है ना और तजर्बात हैं, और अल्लाह मियां ने ये जो छोटा सा एक्सपोजर केपीके का जो दिया, इसके भी जो लेसन्स लर्न्ड है, यू नो कि जो लोग, जो कि आपको उन्हीं में से टीम बनानी पड़ती है, उन्हीं प्लेयर्स में से जो एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं, तो लेकिन लेटरल जो इनपुट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर बनी हुई हैं, जैसे पाकिस्तान अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग मौजूद है जिसमें पीएचडीज हैं इस पे, लेकिन कोई उनसे पूछता नहीं, यू नो हर फील्ड के जैसे एनर्जी है वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में, लेकिन भले वो जरूर नहीं कि वो एमएनए बने, लेकिन वो आपको इनपुट देंगे जहां पावर, उसके लिए कोई प्रोसेस होना चाहिए, बगैर प्रोसेस की कोई चीज नहीं चलती। असल में वी आर गेटिंग अवे विद मर्डर, इक्तदार में आए, माल बनाओ, माल बाहर भेजो, दुबई में फलाना, और हमें अपनी, हम अपनी नाक से आगे, अपने पेट से आगे, अपने बच्चों से आगे देख नहीं पाते। नतीजा ये है कि ये कौम यतीम है और ये कौम बगैर गोलकीपर के मैच में उतरे चली जा रही है और हर मैच हार रही है, हर मैच, और इसी वजह से हम आज इस जगह बैठे। वो और वो आखिरी बात, तो ये क्या ये हुकूमत रहेगी? नए इलेक्शन होंगे, मार्च के सेनेट के इलेक्शन होंगे, क्या होगा? मेरे ख्याल में हुकूमत ने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, सूनर दे डिसाइड क्विट,
और इलेक्शंस, क्योंकि 6 महीने भी बहुत ज्यादा होते हैं, यू नो इफ दे कैन बी सेव्ड और सेल्वेज, क्योंकि क्रेडिबिलिटी का इशू आ गया ना इस वक्त और वो फंक्शन भी नहीं कर पा रहे और ज़ाहिर बात है सेनेट के इलेक्शंस होंगे मार्च में। मेरे हिसाब से तो जो बधाई नजर आता है कि उससे पहले द सिस्टम विल क्रम्बल अंडर इट्स ओन वेट, क्योंकि ये नॉन परफॉर्मेंस जो है और ये जो मिस हैंडलिंग मिसगिविंग्स हैं इसके अंदर ये क्रम्बल, और मैं समझता हूँ क्योंकि 6-7 महीने जाए करें और उसी कचरे में से सेनेट बना लें तो ना, तो इंडिविजुअल्स को तो फायदा हो सकता है, सियासी पार्टियों को तो फायदा, मुल्क को तो ठेंगा मिलेगा उसमें। नहीं सर, बहुत ज़बरदस्त आपकी बातें, थैंक यू फॉर बीइंग वेरी कैंडिड, आप एक रिवायती सियासतदान नहीं लगते, बड़ी खुशी हुई। सारी बातें हमने की, इतनी हमने देखा कि पीटीआई में कम से कम मुझे तो बहुत खामियां नज़र आती हैं अभी भी और डिसिल्यूशनमेंट है, लेकिन आप अभी तक कायम हैं और ये क्या वजह है कि आप अभी तक यू स्टिल बिलीव इन इमरान एंड बिलीव के पीटीआई पाकिस्तान को पायलट कर देगी उस जगह पर जहां हमने पहुंचना है? देखिए इसमें जो बड़ा अगेन कैंडिडली कि या तो कौम को कोई बना बनाया लीडर मिल जाता है और या आप अपने में से बेहतरीन को लीडर कार्व करते हैं और उसकी खूबियों से फायदा उठाते हैं, इस्तफादा करते हैं और उसकी कमजोरी और खामी को संभालते हैं, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन। तो हमें ये तस्वीर करना कि जी बाद का तस्वीर लगाने के लिए तो बहुत अच्छा है कि उसको ऊपर नॉन कंट्रोवर्शियल रखा जाए कि भाई ओके लगी रहे, तो इस केस के अंदर मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रेंथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और मैं ये पूरी ईमानदारी से दिल की गहराइयों से ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान को मौका नहीं मिलता तो इमरान खान का तो शायद इतना सा नुकसान है, क्योंकि ही इन्जॉयज़ ऑल दी हाई प्रोफाइल और वज़ीर आज़म बन के उसको ऐसी कौन सी चीज़ मिल जाएगी जो अब उसके पास नहीं है, यानी प्रोफाइल, बल्कि ही विल बी आंसरेबल टू सो मेनी थिंग्स। अभी तो ही इज हैविंग बॉल ऑफ अ टाइम, यू नो दैट वे कि बीइंग अ क्रिटिक एंड क्रिटिसाइजिंग, उस वक्त तो ये इमरान खान के साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौमों की जिंदगी के अंदर ऐसा नेशनल लीडर या हीरो या जिसको में सूबे और जबान से बाला तर हो के जिसकी कबूलियत हो, ये बिल्कुल ऐसा है कि हम बिखरे हुए तस्बीह के दानों की तरह, हार के मोतियों की तरह, अगर उनको एक डोरी फिरो देती है, इस कौम को रूहानी तौर के ऊपर स्पिरिचुअली लीड कर लेती है और अपनी जात से बुलंद होके, यानी वो अपनी वो नॉन कंट्रोवर्शियल फाइनेंशियली रहता है, तो कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। इससे जो कौम के पाकिस्तानी जैसी कौम थे, क्योंकि मैंने सऊदी अरेबिया में भी काम किया हुआ है, अमेरिका में भी काम किया, कम्पीट किया हुआ है, यहाँ पे पढ़ाई में भी कम्पीट किया हुआ है, वहाँ पे इंजीनियरिंग में कम्पीट किया हुआ है पूरी दुनिया के साथ, पाकिस्तानी कौम में ट्रमेंडस पोटेंशियल है, ट्रमेंडस रेजिलियंस है, इसमें से जो एनर्जी इमिनेट करेगी, और आजकल टेक्नोलॉजी तो 2 मिनट में फ्लो करती है, आप अगर गौर से देखेंगे तो ओवरसीज चाइनीज ने चाइना को पलट दिया, ओवरसीज इंडियंस ने, तो ओवरसीज पाकिस्तानी मैं समझता हूँ ये वो एसेंट है, ये वो पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट है ओवर द ईयर जो ड्रेन की शक्ल में हुआ, लेकिन आज इसको अगर हार्नेस कर लिया जाए तो आप यकीन रखिए कि जैसे कहते हैं ना कि बमा प्रॉफिट के, क्योंकि ये आज एडवांस वर्ल्ड में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं, एक्सपोजर हुआ हुआ है, अच्छा फिर ये अपनी जब वहाँ जाएंगे और इसमें से अगर 10-15% भी गए, अभी वो जनरेशन जिंदा है कि जो जिसने माइग्रेशन की, एक दो जनरेशन के बाद शायद मीनिंगफुल ना रहे, वो इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ हो जाएगा, तो ये जनरेशन जब वहाँ जाएगी और अपनी वेल्थ का भी 5-10% लेके जाएगी तो पाकिस्तान विल टर्न अराउंड एंड पाकिस्तान विल टर्न अराउंड वेरी स्विफ्टली, क्योंकि अल्लाह के दिए हुए सारे वसाइल हैं और ये सारे लोग जाके पाकिस्तान को एक लीडर, मेरी दुआ है कि वो इमरान खान हो, लेकिन अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह कोई भी पाकिस्तान में वो लीडरशिप किसी को भी अल्लाह एजाज दे दे, लेकिन पाकिस्तान कैन टर्न अराउंड कि एक लीडर जिससे वो उम्मीद रखे और वो लीडर उस उम्मीद के मयार के ऊपर पूरा उतरे, ये बड़ा जरूरी है। नाज़रीन, आपने नजीब हारून साहब से गुफ्तगू सुनी, नजीब हारून साहब जो कि फाउंडिंग मेंबर हैं पीटीआई के, 8 उन शख्सियात में से जिन्होंने फर्स्ट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे, पार्टी के सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और कराची के प्रेसिडेंट भी। कुछ सख्त सवाल भी थे, उनके आपने जवाब सुने, फैसला आपने करना है। हमारा मकसद यही है
कि पाकिस्तान में कोई भी हुक्मरान आए, कोई भी लीडर आए, कोई भी पार्टी आए, वो पाकिस्तान को इस गलासत और इस दलदल से निकाले, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो PTI हो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ना इमरान खान का मोहताज है, ना PTI का मोहताज है, ना किसी का मोहताज है। दुआ हमारी ये है कि पाकिस्तान उस मकाम पर पहुँचे जिस मकाम पर उसको होना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हैदर मेहदी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।